प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक की चाकू मारकर हत्या, साथी भी घायल, तफ्तीश में जुटी पुलिस। HURL में PM के आगमन के मद्देनजर SSP ने लिया सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पताल संचालकों की बैठक, आयुष्मान कार्ड धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने के दिए निर्देश। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर SSP ने किया साप्ताहिक परेड का निरीक्षण, परेड के लिए सलामी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक, कहा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अवश्य बने मतदाता। 29वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में पूर्वोत्तर रेलवे की टीम ने सदर्न रेलवे चेन्नई को कड़ी शिकस्त देते हुए ट्रॉफी पर किया कब्जा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने विजेता और उप विजेता टीम को किया पुरस्कृत। संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस ऑफिस पर जवानों व कर्मचारियों को SP साउथ ने दिलाया संविधान की शपथ, कहा संविधान की संप्रभुता सर्वोच्चता को बनाए रखना सभी का है दायित्व। संविधान दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा आयोजित हुआ प्राचार्य प्रतापादित्य स्मृति में रोल ऑफ जुडिशरी इन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन विषय पर एक विशेष व्याख्यान माला। वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने विचार, कहा परंपराओं एवं संस्कृति का प्रतिबिंब है संविधान। शुक्रवार को जनपद में जिला अस्पताल सहित 309 केंद्रों पर किया गया 26,555 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,988 और सेकेंड डोज लेने वालों में 20,567 लोग रहे शामिल। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में मनाया गया 72वां संविधान दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह के तहत शुक्रवार को आयोजित हुआ वाद विवाद प्रतियोगिता। प्रतिभागियों ने नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में है सहायक विषय पर पक्ष और विपक्ष में रखे अपने विचार। और 14 दिवसीय स्पेशल हैंडलूम एक्सपो प्रदर्शनी का महापौर सीताराम जायसवाल ने फीता काटकर किया उद्घाटन, कहा प्रदर्शनी में लोगों को सस्ते दर में मिलेंगे वस्त्र, बुनकर भी बन सकेंगे आत्मनिर्भर।